झारखंड हाईकोर्ट ने आज आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में भी लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। अब लालू प्रसाद यादव बाहर आएंगे। फिलहाल लालू प्रसाद यादव एम्स में इलाजरत हैं, वो अब पटना आएंगे। कब आएंगे देखना होगा। लेकिन आज जो बड़ी बात हुई है, देखिए झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई वर्सेज लालू प्रसाद यादव की लड़ाई थी और आज लालू प्रसाद यादव ने बड़ी जीत दर्ज की है, बड़ी जीत हासिल की है। क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत दी है। आपको याद होगा कई बार लालू प्रसाद यादव के वकील की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई, लेकिन सीबीआई मार्ग में रोरा बन गई थी। लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जमानत के हकदार हैं और उन्हें जमानत दिया जाता है झारखंड हाईकोर्ट से। कई शर्त भी रखे हैं झारखंड हाईकोर्ट ने, 1,00,000 रुपए की बॉन्डिंग पर छोड़ा है लालू प्रसाद यादव को और साथ ही कहा भी है कि आप देश छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते हैं, कोर्ट आपको जब चाहे बुला सकता है। लेकिन देखिए ऐसे में सीबीआई और लालू प्रसाद यादव की जो लड़ाई थी, हम चर्चा उसकी करने जा रहे हैं। देखिए अब जीत तो लालू प्रसाद यादव चुके ही हैं, लालू प्रसाद यादव की जीत हो गई है, वो जमानत पर बाहर आ रहे हैं। हालांकि जमानत तो उन्हें मिलना था, लेकिन जीत की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जिस आधार पर जमानत मांग रहे थे, सीबीआई कह रही थी कि वो गलत है और झारखंड हाईकोर्ट ने सही माना है। देखिए लालू प्रसाद यादव के वकील की ओर से लगातार कहा जाता रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है। हमने आपको पहले भी सुनवाया है लालू प्रसाद यादव के वकील को, जो कह रहे थे कि सीबीआई मनगढ़ंत आरोप लगा रही है, मनगढ़ंत बातें कह रही है। और आज झारखंड हाईकोर्ट ने भी लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए माना है कि हां सीबीआई गलत है, लालू प्रसाद यादव यहां सही है। देखिए सीबीआई क्या कह रही थी वो भी आपको बताते हैं। लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार के अवैध निकासी के मामले में जो सजा सुनाई गई थी, सीबीआई का कहना है कि उसमें दो अलग अलग धाराओं के तहत 7-7 साल की सजा हुई थी, यानी कि कुल 14 साल की सजे सुनाए गए थे लालू प्रसाद यादव को, सीबीआई ने सुनाया था। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट का कहना है, और झारखंड हाईकोर्ट ने इसी आधार पर लालू प्रसाद यादव को जमानत दिया भी है, कि सजा 7 साल की ही है, 3.5 साल का सजा उन्होंने काट लिया है और आज उन्हें जमानत मिल गई है। हम लगातार आपको टुडे बिहार न्यूज पर बातें बता रहे हैं कि सीबीआई क्या कह रही है, झारखंड हाईकोर्ट का क्या कहना है और लालू प्रसाद यादव के वकील का क्या कहना है। जो लड़ाई लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल, लालू प्रसाद यादव के वकील हैं, वो किस तरीके के आरोप सीबीआई पर लगा रहे हैं। देखिए जमानत अलग की बात है और जीत अलग की बात है। कोर्ट में आज लालू प्रसाद यादव की जीत हुई है। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव आज अपनी झंडा को एक बार फिर से लहरा चुके हैं, क्योंकि जो सीबीआई कह रही थी, जो सीबीआई के वकील कह रहे थे, जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उसे गलत ठहराया है। इससे पूर्व लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर जब झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तब सीबीआई मार्ग में रोरा बनी थी। तब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट दाखिल करें जल्द से जल्द, सीबीआई ने समय मांगा। तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में सीबीआई ने अपने जवाब भी सौंप दिए कोर्ट को, और जो जवाब सौंपा उसमें साफ तौर पे कहा कि ये लालू प्रसाद यादव अभी सजा के हकदार है, अभी कुछ दिन और इन्हें रहने दिया जाए, अब जमानत मिल चुका है लालू प्रसाद यादव को। तो साफ तौर पे सीबीआई की हार हो चुकी है। सीबीआई जो 7-7 साल की रट लगा रखी थी, जो 7-7 साल की बात कह रही थी, यानी कि 14 साल की, वो नहीं हुई है। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को भी देखते हुए, उम्र को भी देखते हुए, और सजा की आधी अवधि उन्होंने पूरी कर ली है। आपको याद होगा जब 19 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तब कोर्ट ने कहा था कि अभी 1 महीने कुछ दिन और बाकी है और अब वो तारीख हो गई है, वो समय आ गया है जब लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई। और जमानत ही नहीं, जमानत के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की जीत भी हुई है झारखंड हाईकोर्ट में। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। लालू प्रसाद यादव अब बिहार आएंगे, जश्न की तैयारियां शुरू है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। लगातार जो तस्वीरें, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, वो आपको हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। धन्यवाद।